चलिए हो गई स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हंसी वैसे कर, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना करें, मैं पहले इनसे पूछ लेते हैं क्या देखा है साइको एनालिटिक थ्योरी में, तो फिर मैं शुरू कर देते हैं। सही है। हेलो अच्छा, साइको एनालिटिक थ्योरी अगर आपको याद हो तो हमने क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ी थी, साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ी थी। ठीक है, ये सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है। ठीक है, और ये जैसे अरहमना ने आपको अभी बताया ना, जो मैंने आपको एक वीडियो का लिंक सेंड किया था, खान एकेडमी की कोई 8 मिनट्स की वीडियो है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो बिफोर यू गाइस गो फॉर द लेक्चर, आप उससे पहले ये करें कि आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, अब जिसने नहीं देखी उसको तो मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो स्लाइड सेकेंड स्लाइड लगा दें। हसीब, अच्छा, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड हमारे पास माइंड के जो है तो कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स हैं। ठीक है, एक कॉन्शियस लेवल है, एक प्री कॉन्शियस लेवल है, और एक हमारे पास अनकॉन्शियस लेवल है। ठीक है, कॉन्शियस लेवल जो आपका है ना, ये जो नॉर्मल हम जैसे वो है ना, जो कि आपको अवेयरनेस बता रहा होता है, इंडिविजुअल की अवेयरनेस विद द एनवायरनमेंट वो बता रहा होता है। ठीक है, ये तब, ये कॉन्शियस कब होता है, कॉन्शियस लेवल जब हम लोग बिल्कुल अवेक होते हैं। ठीक है, हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है, हमारी फीलिंग्स, हमारी मेमोरीज, हमारी सेंसेशंस, ठीक है, ये सब कुछ, हमारा आईक्यू, ये सब कुछ इस कॉन्शियस में आ रहा होता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है तो 1/9% ऑफ द टोटल, 1/9 ऑफ द टोटल माइंड है। ठीक है, अब ये डायग्राम को देख लें। ठीक है, इसमें ये आपको, ये आइसबर्ग है। ठीक है, टिप ऑफ द आइसबर्ग वाला जो आपको अरहमन ने बताई, वही बात है, हम जब आइसबर्ग को देखते हैं ना, तो हमें जितना विजिबल होता है ना, उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के वो पानी के नीचे होता है। ये हम उस बंदे के लिए भी कहते हैं ना जो कि बहुत ही कोई चालाक हो, लेकिन हम कहते हैं जितना ये जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा ये जमीन के नीचे है, मतलब ये बहुत पहुंचा हुआ बंदा है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे माइंड भी बड़े पहुंची हुई चीज है, लेकिन वो हमें पता नहीं होता। ठीक है, हमें जो पार्ट उसका कॉन्शियसनेस का हमें विजिबल है, वो कॉन्शियस है। ठीक है, कॉन्शियस लेवल ये वो है ना, जैसे आप लोग अभी कोई आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, और आपके सामने कोई बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको क्लास दे रही हूँ, आप लोग, यू गाइज आर अवेक, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस जो है वो भी साथ में चल रहा है, आप सुन भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं अगर कोई लिख रहा है। ठीक है, तो आपके सेंसेस भी उस टाइम पे काम कर रहे हैं, और आपका माइंड भी उस टाइम पे काम कर रहा है, और आपका थॉट प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ये आप कॉन्शियस इस वक्त बैठे हुए हैं, ये आपका कॉन्शियस लेवल है। ठीक है, ये कॉन्शियस लेवल हो गया आपका। अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड चीज क्या आ जाती है, वो आती है प्री कॉन्शियस। ठीक है, प्री कॉन्शियस आपका क्या होता है, ये जो आप कभी कोई चीज याद करते हैं ना कि ठीक है कि ये हमारी डीप में वो था, दिस गोज इनटू योर डीप मेमोरी। ठीक है, ये अक्सर मेरे, हमारे एक टीचर थे फार्माकोलॉजी के, वो हमेशा हमें ये कहते, दिस गोज इनटू योर डीप मेमोरी। ये वो आपका स्टोर हाउस होता है सारे मेमोरीज के लिए, फीलिंग्स के लिए, रिस्पॉन्सेस के लिए। ठीक है, जो आपने लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे एक्सपीरियंस किए होते हैं, ये उनके लिए एक स्टोर हाउस होता है। और ये वो पार्ट है ना, जब आप एग्जाम के लिए बैठते हैं ना, और आपको एकदम से याद आ जाता है कि अच्छा हाँ, जब इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक पे लेक्चर था तो उसमें टीचर ने ये कहा था, तो फिर आप वो लिख लेते हैं। ठीक है, वो आपका प्री कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ जाता है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड आपका क्या करता है, अनकॉन्शियस माइंड आपका वो पार्ट है ना आपके माइंड का, जो कि सबसे लार्जेस्ट इस डायग्राम में भी देख लें। ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट पार्ट है आपके माइंड का, अनकॉन्शियस माइंड, मतलब 90% आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है ना कि ये हमारे पास इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, आप इसको नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, इसमें आपकी डीप जो मेमोरीज होती हैं वो स्टोर होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, आपकी सारी जिंदगी के जो फीलिंग्स वो मेमोरीज होती हैं ना, वो आपके इस अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं। आपकी डीपेस्ट डिजायर्स, आपकी वाइल्डेस्ट डिजायर्स आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, जो कि आप वर्बली नहीं बता सकते। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी बात यही है ना कि
जो मेमोरीज अनकॉन्शियस माइंड में होती है ना, दे लूज देयर कनेक्शन विद वर्बल एक्सप्रेशंस. आप उनको वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. आप जो ड्रीम्स देखते हैं ना, कभी कभी आपको याद रह जाती है, लेकिन मोस्टली आपको याद नहीं रहते. क्यों? क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती है. ठीक है, तो कभी कभी हम ऐसे ख्वाब देखते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये बात तो मेरे जहन में भी नहीं थी, कैसे हो गई है. ठीक है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें हो रही होती हैं, तो हमें पता चलता है कि तो वो हमारा ब्रेन उस चीज को प्रोसेस कर रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता चलता उसके बारे में. ठीक है. अच्छा, अब जो हम कहते हैं ना कि हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो वो हिप्नोटाइजेशन से जो हम एक्सेस करते हैं ना, वो अनकॉन्शियस माइंड को हम एक्सेस कर रहे होते हैं. ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? जी, क्लियर है. अनकॉन्शियस माइंड को कभी यूज में ला सकते हैं? नहीं, हम अनकॉन्शियस माइंड को इस तरह नहीं एक्सेस कर सकते. ठीक है, वो आपका तभी एक्सेस हो सकता है कि वो कोई हिप्नोटाइजेशन के थ्रू आपका वो हो जाता है. ठीक है, इसको आप यूज ऐसे नहीं, एज सच यूज नहीं कर सकते. आप कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास तीन और चीजें. ठीक है, जो कि हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ वो आपकी पर्सनालिटी बताती हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी आपकी तीन चीजों से बनता है, इड, ईगो और सुपर ईगो. ठीक है, इसको आप ऐसे इमेजिन कर लेना कि एक सीसॉ है. ठीक है, उसमें एक फलक्रम पॉइंट है जिसके ऊपर वो बैलेंस हुआ है. एक साइड पे आपका ईगो, फिर जो सीट्स हैं उसकी. ठीक है, एक साइड पे ईगो है, एक साइड पे सुपर ईगो है, और ये जो नहीं, दरमियान में ईगो ईगो है, एक साइड पे सुपर ईगो है, एक साइड पे इड है. ठीक है, अब ये हो गया. ठीक है, अब इड हमारे पास क्या चीज है? इड हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में होता है हमारा इड. ठीक है, ये क्या होता है? ये आपकी वो डिजायर्स होती है ना, वो डीप डिजायर्स, वो अनरीजनिंग इंस्टिंक्शनल डिजायर्स, मोटिव्स, वाइल्ड डिजायर, जो आप किसी को नहीं बताते. ठीक है, ये आपके बेसिक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ड्राइव्स होते हैं. ठीक है, और ये आपके फैंटेसी और रियलिटी में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते थे. ठीक है, ये क्या होता है आपका? ये इड जो होता है ना, इसको किसी कोई बाउंड्रीज ये जानता ही नहीं है. बस इसको जो करना है वो इसने करना है. ठीक है, ये एक जिद्दी बच्चे की तरह है. ठीक है, ये इसकी मैं आपको ये एग्जाम्पल दे देती हूँ. ठीक है, जो ना किसी की सुनता है, ना किसी की मानता है, बस वो जो अपने जो खुद सोचता है वो उसी के ऊपर यकीन कर रहा होता है, और वो कहता है कि बस यही ठीक है, सही है. दूसरी साइड पे हमारे पास है सुपर ईगो. सुपर ईगो आपका क्या है? परफेक्शन, आइडियल. ठीक है, सुपर ईगो आपका क्या करता है? ये अब एक्चुअली ये वो सोसाइटी की वो एक्सपेक्टेशन होती है. ठीक है, हमसे वो नॉर्म्स, वो वैल्यूज होती है जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका एक मॉरल कोड होता है पूरा. इसमें आपकी फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, शेम होती हैं. ठीक है, और ये आपके जो कॉन्शियस लेवल है ना, आपके कंसाइंस है ना, उसके साथ ये रिलेटेड होता है. ठीक है, आपका जो मॉरल कैरेक्टर, मतलब सोसाइटी की जो आइडियल एक्सपेक्टेशंस आपसे होती हैं, ठीक है, वो आपका सुपर ईगो है. अब इन दोनों को बैलेंस में कौन रखता है हमारे पास? ईगो इनको बैलेंस में रखता है. ठीक है, ईगो क्या है? ईगो आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो कि दुनिया को जाहिर है. ठीक है, अपेरेंट है दुनिया को. अब अगर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, अब ये क्या करता है जो ईगो होता है, ये बैलेंस में रख रहा होता है सुपर ईगो को भी और इड को भी. ठीक है, अगर तो आपका इड का पलड़ा भारी हुआ, ठीक है, तो आपका ईगो जो होता है वो अल्टीमेटली वो आपकी इड के मुताबिक हो जाता है. इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इड. फिर अगर आपकी इड में कोई ऐसी बातें हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल एंटी सोशल बातें हैं उसमें, तो आपकी पर्सनालिटी जो होगी ना वो आपकी ईगो पे बेस होती है ना, तो आपकी ईगो जो होगी, मतलब आप अपेरेंटली लोगों को एंटी सोशल ही नजर आएंगे. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर इड हावी हो गया. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके ऊपर सुपर ईगो हावी हो गया, तो आप बहुत ही कोई सोसाइटी के बिल्कुल कंफॉर्मिस्ट बन जाएंगे, उसके आइडियल्स के मुताबिक होंगे. समझ जाएंगे आप लोगों को इस चीज की? जी बिल्कुल. जी क्लियर है. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा अर्शिया, मैं आपको रिपीट करती हूँ. सही है, आपके पास है एक सीसॉ.
उसमें सेंटर में वो जो फलक्रम पॉइंट होता है ना, जिसने उसको बैलेंस किया होता है, वो हो गया आपका ईगो. एक साइड पे आ जाता है सुपर ईगो, एक साइड पे आ जाता है इड. अब इस पिक्चर को देखें, आपको पता चल जाएगा जो फर्स्ट पिक्चर है. इड क्या है? दे आर द इननेट डिजायर्स, प्लेजर सीकिंग, एग्रेशन, सेक्सुअल या इम्पल्सिव. ठीक है, ये आपकी डीपेस्ट डिजायर्स होती हैं जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं. ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जितनी डिजायर्स होती हैं ना, वो इसमें होती हैं. ठीक है, ये वो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है जो कि हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, जो हमें खुद भी पता नहीं होता. हम कहते हैं ना कि फितरतन ये बंदा ऐसा है, वो फितरतन वो ये चीज होती है. एक बंदा है ना कि वो बहुत ही अनोइंग है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अनोइंग है, तो हम तंग आ जाते हैं. हम क्यों तंग आ जाते हैं? क्योंकि वो आइडियल्स, सोसाइटी के आइडियल्स के मुताबिक नहीं होता. आइडियली हम ये होता है कि अच्छा, आप किसी के घर जाएं तो वो आपसे अच्छे तरीके से मिले, बस जितनी बात हो उतनी वो आपके साथ करे, एक्स्ट्रा ना करे. लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं, आपके सामने स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना, तो आप जिससे भी मिलते हैं, आप जो है तो ऑटोमेटिकली उस स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करने लग जाते हैं. अब वो बंदा बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, आप उसके घर जा रहे हैं ना, वो मिल रहा है आपसे, ना सही से बात कर रहा है, ना खाने का पूछ रहा है, ना पीने का पूछ रहा है. ठीक है, जो कि सोसाइटी में नॉर्मली चीजें होती हैं, जो नॉर्म्स होती हैं. तो आप कहेंगे कि ये क्या अजीब सा बंदा है. ठीक है, वो जो अजीब सा बंदा है ना, जो एंटी सोशल सा बंदा है, ठीक है, या वो बहुत बदतमीजी कर रहा है, या इस तरह, या फिर वो ऐसा है कि आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, इस तरह का कोई बंदा हो, ठीक है, तो वो इसलिए इस तरह होता है क्योंकि उसका इड उसके ऊपर भारी आ जाता है, उसके ऊपर इड हावी होता है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी हैव द सुपर ईगो. सुपर ईगो होता है आपके पास. ठीक है, सुपर ईगो आपके, देखें ये जो फरिश्ता सा बना हुआ है, मॉरल एथिकल वैल्यूज होते हैं. ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइजेस इन द बैकग्राउंड, द इस समझ के दे देगा. अच्छा, मॉरल एथिकल वैल्यूज होती हैं, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड. जी, आ रही है. अच्छा चलें, अब मैं रिपीट कर देती हूँ उसको. अच्छा, तो इट जो है वो हमारे पास जो हमारी डीपेस्ट डिजायर्स होती हैं वो होती हैं, जो प्लेजर होते हैं. ठीक है, जो वाइल्ड डिजायर्स होती हैं वो इट होता है. अच्छा, फिर सुपर ईगो आपके पास क्या है? वो आपके मॉरल एथिकल वैल्यूज हैं. ठीक है, जो आपके वो जो परफेक्शन और आइडियल वाली चीज होती है ना, वो इसमें आ जाती है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या जाता है? ईगो, जो इन दोनों को बैलेंस में रखता है. ईगो आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट होता है जो कि दुनिया को विजिबल होता है, अपेरेंट होता है. ठीक है, तो अगर आपके ऊपर इड हावी हो गया, आपके इड में कोई ऐसी बातें हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव होगी. ये आपके ऊपर मॉरल जो आपका सुपर ईगो है वो हावी है. ठीक है, तो फिर आप बहुत ही ज्यादा हर वक्त खुद को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, और वो भी ठीक नहीं है. ठीक है, तो ये जो ईगो होता है ना, ये दोनों को बैलेंस में रखता है ताकि एक भी दूसरे के ऊपर हावी ना हो. ठीक है, ये इनके दरमियान एक पुलिस मैन है. अच्छा, अब ये साइको एनालिटिक मॉडल है. ठीक है, कि हमारे पास जो रियलिटी डिमांड्स होती है ना, वो आपकी ईगो जो होता है वो उसको एक्शन में कन्वर्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो एक सुपर ईगो की डिमांड्स होती है, एड की डिमांड्स होती है. ठीक है, ईगो उन दोनों को बैलेंस करके एक्शन करता है. ठीक है, अगर वो बैलेंस एक्शन देगा तो आपके पास होगा, तो बिल्कुल आपकी जो पर्सनालिटी होगी तो वो बैलेंस्ड पर्सनालिटी होगी. लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होगा ना, एक ऊपर होगा दूसरा कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा आपके पास के आपका जो ईगो होगा, जो आपकी पर्सनालिटी होगी, तो वो इम्बैलेंस में होगी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? हाँ जी, क्लियर है. चलें, सही है. हसीब नेक्स्ट, ये कौन मैसेज कर रहा है? अच्छा ठीक है, हसीब नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब जो सेगमेंट मैम, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है मेरा. जी 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 जी, ये जो आपने इड का बताया ना, कि इस तरह, मेरा सवाल ये है कि जो बाद में लाइफ में जो लोग क्रिमिनल होते हैं या आतन जो है ना, उनकी ऐसी नेचर होती है जो सोसाइटी के साथ मैच नहीं कर रही होती, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो पहले से डिवेलप हो चुकी होती है,
बचपन से ही या बाद में जो वो इन्वायरमेंट है उसको जो मतलब सोसाइटी उसको डेवलप करती है कि उसकी ईड है वो हमेशा ऐसी मतलब गलत रहती है, तो इस बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ये वो जो बचपन हमने में ही थ्योरीज ईड जो पढ़ी है डेवलप थी, हो चुकी होती है या बाद में होती है? अच्छा जी ये हमने उसमें भी पढ़ा था क्रिमिनोलॉजी में भी, जब हम स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें ये था कि एक साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट था हमारे पास, साइकोलॉजिकल पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, उसमें हमने सिगमंड फ्रॉइड की ये थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। इड जो होता है ना, ये आपका बाय बर्थ होता है, ठीक है, जैसे आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है वो बचपन से ही होता है, ठीक है, बर्थ के टाइम से ही होता है। इस तरह आपका इड भी बचपन से ही होता है, जैसे आप पैदा होते हैं उस टाइम से आपका इड होता है, ठीक है। अब अगर आपके इड में कोई नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, आपका एंटी सोशल बिहेवियर है, ठीक है, तो आप जब आपकी पर्सनालिटी में अगर इड आपके ऊपर हावी हो जाए तो वो बाहर आएगा, ठीक है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर उसके नेचर में ये चीज है, उसकी इड ऐसी है, तो फिर वो लाइफ के किसी पॉइंट पे ऐसे निकल के आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके इड में हमेशा से यही चीज हो। उसके लिए फिर हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा था कि हमारे पास कुछ सोसाइटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाता है। ये दो, या तो उसका इड ऐसा होता है तो वो क्रिमिनल बन जाता है, या तो इड ऐसे नहीं होता, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं कि वो बन जाता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि उसका इड भी जो होता है वो भी उसको, उसमें भी नेगेटिव चीजें होती हैं वो उसको ओवर पावर कर रहा होता है, और उसके साथ जो है तो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो जाते हैं, तो 1+1=3 वाला सिस्टम इसका हो जाता है, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, फिर वो सही क्रिमिनल बन जाता है। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू मैम, क्लियर है मैम। एक और चलें चीज़ ठीक है। के इड हमेशा नेगेटिव ही होता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, इड हमेशा नेगेटिव नहीं होता, इड पॉजिटिव भी होता है, इड नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अगर इवन अगर आपका इड नेगेटिव भी है तो अगर ईगो उसको बैलेंस कर रहा है तो फिर ठीक है, सही है। ओके चलें ठीक है। अच्छा अब जो हाँ, ये सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है ना, इसमें ये मेनली जो है फोकस कर होता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे, ठीक है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पे। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहता है कि अगर इन सब स्टेजेस से अगर एक बंदा ठीक से निकल जाए ना, ये सब स्टेजेस उसके प्रॉपरली हो जाए, तो फिर क्या होता है कि वो एक हेल्दी बंदा बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम उस बंदे को हो जाए ना, तो उसको क्या होता है कि वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। एट सम पॉइंट इन हिज लाइफ वो जो होता है तो वो चीज उसके सामने आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इन स्टेजेस का प्रॉपरली पूरा होना, ठीक है, बट उसकी हेल्दी पर्सनालिटी होगी। अगर फिर नहीं होगी तो उसमें फिर फिक्सेशन हो जाएगी, फिर वो बंदा उससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। इसको मैं रफली आपको बता देती हूँ, ठीक है। 0 to 2 जो उसका ईयर है ना, ओरल, इसका नाम उन्होंने ओरल रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो मतलब पैदाइश से 2 साल तक बच्चा ही होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो थम सकिंग कर रहा होता है, ठीक है, या फिर वो फीडर ले रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी ओरल एक्टिविटीज उस टाइम पे डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड ये कहता है कि अगर इस टाइम पे उसकी हैबिट मतलब उसकी जो ये सही से डेवलपमेंट नहीं हुई ना इन चीजों की, तो उससे क्या होगा, ये इसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें स्मोकिंग की हैबिट्स आ सकती है, ठीक है, या फिर इस तरह की और हैबिट्स जो आपके सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये सिगमंड फ्रॉइड का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है। ये फिर सेकंड होता है आपके पास एनल, ठीक है, ये होता है 2 साल से 3 साल तक। ये वो टाइम होता है ना जब बच्चा जो होता है उसको आप ट्रेनिंग करवा रहे थे कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको पता चलना चाहिए कि अच्छा अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मुझे कैसे फील होता है, फिर मुझे जाना है, ठीक है। सो वो जो सारी उसकी ट्रेनिंग होती है ना, वो इस टाइम पे हो जाती है, ठीक है। अगर इस टाइम पे उसकी ट्रेनिंग सही से नहीं होती ना, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ उसका क्या हो जाता है कि वो इस चीज पे कभी वो ठीक से वो उसको नहीं कर पाता, ठीक है, और उसकी क्या हो जाती है कि
हेलो जी अच्छा आ रही आवाज सही है। अच्छा अगर इस स्टेज पे उसकी सही से डेवलपमेंट नहीं होती ना ठीक है उसको सॉरी ट्रेनिंग उसकी सही से नहीं होती ना उससे क्या होता है कि उसके नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। ठीक है नेगेटिव आउटकम्स कैसे होते हैं अगर तो पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हैं ठीक है और बच्चा नहीं कर पा रहा वो चीज के वो प्रॉपरली वो ट्रेन नहीं हो पा रहा वो फिर भी डायपर यूज करता है ठीक है इस तरह तो क्या होता है कि वो बच्चा जो होता है उसकी पर्सनैलिटी में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ठीक है और उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो तो वो बच्चा जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है। ठीक है तो ये सिगमंड फ्रॉयड कहता है कि इस टाइम पे मतलब ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है ना साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसमें अगर किसी भी स्टेज पे कोई भी मसला आया तो वो उसकी लेटर लाइफ में जरूर उसके ऊपर असरअंदाज होगा। फिर फेलिक स्टेज है उस ये जो 3 साल से 7 साल की उम्र तक होता है ठीक है ये वो स्टेज होता है ना जब बच्चे को पता चलता है कि अच्छा मेल और फीमेल ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है उसको सेक्सुअलिटी के बारे में पता चलता है कि अच्छा दुनिया में 2 सेक्सेस हैं एक मेल सेक्स है एक फीमेल सेक्स है। ठीक है जेंडर की बात नहीं करें हम सेक्स की बात करें इस टाइम पे बायोलॉजिकली असाइन। ठीक है उसमें वो क्या कहते हैं अच्छा हाँ ये मेरे अब्बू हैं ये मेरी अम्मी है ठीक है ये एक औरत है ये एक मर्द है ये वो उसको ये चीजें समझ आ जाती है उसको अपनी बॉडी के बारे में भी समझ आना शुरू हो जाता है। सही है जब उसको इस बारे में पता होना शुरू हो जाता है ना तो उसमें क्या होता है इस टाइम पे अच्छा वो क्या करता है कि उसमें राइवलरी भी उसकी आ जाती है कि बच्चे जो होते हैं ना ये एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है वो क्या होता है ना कि अगर एक बच्चा होता है ना तो वो चाहता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बस हर वक्त मैं रहूँ ना तो ये दिस इज वेरी नॉर्मल कि द चाइल्ड फील्स लाइक द फादर इज हिज राइवल। ठीक है और फिर उसको क्या करता है लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो उसका बाप है। ठीक है तो वो हर तरीके से कोशिश करता है जैसे हम लोग मतलब हमारे हम जो क्या करते हैं कि बच्चे अभी जब हमारे सामने होते हैं ना तो वो जाके पेरेंट्स के दरमियान बैठ के पिक्चर लेते हैं क्योंकि उनको जेलिसी फील होती है कि नहीं ये बंदा मेरी अम्मी के साथ क्यों बैठ के पिक्चर ले रहा है ये तो मेरी अम्मी है। ठीक है तो उसको वो ओनरशिप का वो होता है। ठीक है तो वो इस स्टेज पे इसमें अगर आ जाए तो वो लेटर ऑन इसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। फिर लेटेंसी लेटेंसी में क्या होता है 7 to 11 years का टाइम होता है उसका। ठीक है इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है लेटेंसी के एज में उसकी डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो उसको मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी के बारे में पता चल जाता है उसको जेंडर्स के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है जेंडर रोल्स के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है कि किस जेंडर के साथ आपने किस तरह से डील करना है। ठीक है अच्छा जो हमारी जेंडर रोल कंस्ट्रक्शन है ना सोसाइटी की सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेंडर रोल्स उसको उन चीजों के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 11 से एडल्टहुड तक जो उसका जितना भी स्टेजेस होते हैं उसको हम कहते हैं जेनिटल स्टेजेस। ठीक है जेनिटल में क्या होता है कि वो जो बंदा जो होता है जो डेवलपिंग जो बच्चा है या जो भी है ठीक है 11 से एडल्ट तक होने के उसमें क्या होता है कि उसको ये पता चल जाता है कि अच्छा आपने ऑपोजिट जेंडर के साथ जो होता है तो आपने डील कैसे करना है आपने उससे बात कैसे करनी है उसको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में पता चलता है। तो ये पूरा जो होता है ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं। ठीक है अब इससे हमने अब इसमें हम किन चीजों के साथ कंसर्न है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है नेक्स्ट स्लाइड यहाँ तक समझ आ गई है ना आप लोगों को क्लियर है जी बिल्कुल चलो ठीक अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं ना एक दूसरा सेशन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इट्स अबाउट टू एंड तो फिर हम उसमें साइको एनालिटिक फेमिनिज्म पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है अच्छा तो अब हमने साइको एनालिटिक थ्योरी से क्या कंक्लूड किया कि जो साइको एनालिसिस जो होता है ये हमें ये बताता है कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और अनकॉन्शियस डिजायर्स होते हैं ना ये हमारी बिहेवियर को शेप करते हैं। ठीक है अब ये थ्योरी जो है ना ये हमारे पास क्या ये हमारे पास फाउंडेशनल फ्रेमवर्क बनाती है इस साइको एनालिटिक फेमिनिज्म का। जब हम ये बात कह देते हैं ना कि एक बच्चा जो है उसकी उसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो आता है वो उसकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आता है
तो हम इससे अब आगे बताएंगे कि हमने इसको फेमिनिज्म में हमने इसको कैसे फिक्स करना है, ठीक है, कि इससे हम बताएंगे कि जेंडर रोल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, और जेंडर रोल्स जो होते हैं ना तो वो डिवेलप कैसे होते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होती है, ठीक है, वो हम साइको एनालिटिक थ्योरी से बताएंगे, सही है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब इसमें से हमने दो चीजें ली, एक माइक्रो लेवल पे कुछ बातें हमने एक्सट्रैक्ट की उससे और पिक की, या और कुछ हमने मैक्रो लेवल पे, माइक्रो यानी स्मॉल लेवल पे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक से निकला। अच्छा, दिस फोकसेस ऑन एग्जामिनिंग डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन, पर्टिकुलरली ऑन वुमेन साइकोलॉजिकली एज वेल एज द एनवायरमेंट इन विच द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड डिवेलप्स। दिस इंक्लूड्स द चाइल्डहुड लर्निंग एंड फॉर्मेशन, relationship with parents, early sexual traits, and explores the establishment of masculinity and femininity. ठीक है, हमें इसमें ये क्या होता है कि जब बच्चा बचपन से, मतलब initial stages पे क्या समझ जाता है, वो learning करता है, ठीक है, childhood learning उसकी जो थी, जो हमने oral stage पढ़ी थी, phallic stage तक जितनी चीजें हमने पढ़ी थी, फिर उसके बाद phallic stage में हमने पढ़ा था कि वो इसको early sexual traits के बारे में पता चल जाता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उसको masculinity और femininity के बारे में पता चल जाता है, उसको अपने parents के साथ relationship का पता चल जाता है, ठीक है, ये micro level पे हमें ये पता चल जाता है। फिर macro level पे क्या होता है, जब उसमें थोड़ी सी अक्कल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, जब उसमें शऊर आना शुरू होता है, तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड, तो उसमें क्या होता है कि मैक्रो लेवल पे हमें क्या पता चल जाता है, वो एग्जामिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी होती है उसको, ठीक है, सबसे पहले वो क्या करता है, उसको पता चला कि अच्छा मेल और फीमेल एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो उन चीजों को एग्जामिन करने लग जाता है, ठीक है, जैसे ही उसमें शऊर आने लगता है, वो उसके ऊपर सोचने लगता है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी क्या होती है कि जो जेंडर रोल्स हैं उसको आइडेंटिफाई उसने कर लिया बचपन, अब उसके ऊपर वो सोच रहा है कि अच्छा ये ट्रेट्स जो है ये मैस्कुलिनिटी के साथ एसोसिएटेड है, ये ट्रेट्स फेमिनिटी के साथ एसोसिएटेड है, मुझे मेल्स के साथ कैसे डील करना है, मुझे फीमेल्स के साथ कैसे डील करना है। इमर्जेंस ऑफ एडल्ट सेक्सुअलिटी, ठीक है, उसको जो होता है तो अपने डिजायर्स के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, उसको अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन उसको पता चलता है, ठीक है, ये मैक्रो लेवल पे बातें आ जाती हैं। कंटिन्यूअल रीइंफोर्समेंट ऑफ पेट्रियार्की, इसमें क्या होता है, उसको अब पता चल गया अच्छा पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, अब मैंने जो है तो उसके ऊपर कंटिन्यूसली रीइंफोर्समेंट हो रही होती है इन चीजों की, उसके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग कर रहे होते हैं, जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना पेट्रियार्कल सोसाइटी के, वो उसके ऊपर जो होते हैं तो अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं, उसको रीइंफोर्स करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इसका बेसिक फ्रेमवर्क आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें जो हमारे पास प्रोमिनेंट जो साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट हैं और उनके उन्होंने जो बुक्स लिखी या उन्होंने जो राइटिंग्स उनकी हैं तो वो ये हैं कुछ, ठीक है, अगर आपने साइको एनालिटिक फेमिनिज्म के लिए कोटेशन ढूंढनी है तो ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिए कि आप इनकी कोटेशन ढूंढ लें तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये जो जूडिथ बटलर है और नैन्सी चौड्रो है, ये हमारे पास मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट साइकोएनालिटिक फेमिनिस्ट ये दोनों हैं, तो हमने इन दोनों के पर्सपेक्टिव से अभी हम इसके लिए सेंट्रल थीसिस बनाएंगे जो हमारा साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इन दोनों का सहारा लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले जो मैंने आपको सोशल कंस्ट्रक्शन वाला जो लेक्चर दिया था ना, उसमें भी मैंने आपको इसका हवाला दिया था, द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, नैन्सी चौड्रो की बुक है, इसका मैंने दिया था, और इसके अलावा मैंने आपको जेंडर ट्रबल का भी दिया था जो कि जूडिथ बटलर की बुक है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे फिर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था ये, और अभी फिर हम यही पढ़ेंगे। अपने माइक्स म्यूट कर लिया करें प्लीज। अच्छा, द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग में जो है तो नैन्सी चौड्रो क्या कहती है, उसने क्या किया, उसने कहा है कि द एक्सप्लोरेशन ऑफ वुमेन्स रोल एज अ मदर एंड डॉटर इज अ सेंट्रल टॉपिक इन साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, ठीक है। चौड्रो व्यूज मदरिंग एज अ ड्यूअल स्ट्रक्चर वेयर मदरहुड इज पार्टली फिक्स्ड बाय चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ठीक है। चौड्रो क्या कहती है कि हमारे पास मदरहुड जो है ना वो डुअल स्ट्रक्चर, मदरिंग जो है डुअल स्ट्रक्चर्ड है,
डुअल स्ट्रक्चर्ड कैसे है कि जो माँ होती है ना, उस जो जो हम कहते हैं कि ना हाँ बस माँ तो माँ होती है, ठीक है, हमारी माएँ बड़ी सादा हैं, क्यों? क्योंकि एक तो ये होता है कि उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस वैसे होता है, ठीक है, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुन रहा होगा, ये जो अभी बड़े होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि आजकल की लड़कियां जो है तो ये तो उस तरह की माएँ हैं ही नहीं जैसे हम थे यहाँ से पहले लोग, ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे बड़ों से डिफरेंट हैं, ठीक है। अब जो माँ होती है ना, उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और उसके जो सोसाइटी के जो उसके इर्द गिर्द एक्सपेक्टेशन है ना, जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है ना, वो सब मिलके उस मदरहुड को डिफाइन करती हैं, उस मदर के रोल को डिफाइन करती हैं। वो उससे आइडियली एक्सपेक्ट होता है, एक सोसाइटी बताती है, एक उसने बचपन से जो चीज सीखी होती है, वो दोनों चीजें मिलके उसको गाइड कर रही होती है कि हाँ तुम मदरहुड है क्या, ठीक है। ये इससे हमें ये पता चलता है ना कि हमारे पास हर डिफरेंट टाइप, देखें अब वेस्ट में माँ डिफरेंट है, ईस्ट में, यहाँ पे हमारी सोसाइटी में माँ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ उनको भी अपने बच्चों से मोहब्बत है, हमारी माँ को भी है, ठीक है, वो सब माँ को होता है, लेकिन उनका जो कंसर्न्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हमारे कंसर्न्स, हमारी माँ के कंसर्न्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अब जब हम कह रहे हैं ना कि सोशल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी की वो एक्सपेक्टेशंस और उसके बचपन की खुद जो एक्सपीरियंसेस है वो डिफाइन करती है, तो ये हर सोसाइटी, ये सोसाइटी टू सोसाइटी ये डिफर करता है, ये वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, चौड्रो क्या कहती है कि चौड्रो ड्राइंग ऑन द वर्क ऑफ कैरेन हॉर्नी एंड मेलेनी क्लेन नोट्स दैट द चाइल्ड फॉर्म्स इट्स ईगो इन रिएक्शन टू द डोमिनेटिंग फिगर ऑफ मदर। हम कहते हैं ना के बच्चे माँ का परतू होते हैं, ठीक है, यानी बच्चे जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं अपनी अम्मी का, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो बच्चा होता है ना उसकी ईगो कहाँ से डेवलप हो रही होती है, उसकी अम्मी जो होती है ना वो उसके लिए सुपर ईगो का काम कर रही होती है मुसलसल, ठीक है, वो उसको बता रही होती है ये तुमने ये करना है, तुमने ये वो करना है, तुम वो उसके जो सुपर ईगो और इट को है वो बैलेंस में रख रही होती है, ठीक है, वो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली रीइन्फोर्स कर रही होती है ना चीजें जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है, तो ऑब्वियसली उसका जो सुपर ईगो होता है वो उसकी पर्सनैलिटी में ज्यादा सामने आता है, ठीक है, अगर वो उस पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट कर रही है। अगर तो वो नेगेटिव करी तो उसका इट जो होता है फिर वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, ठीक है, या फिर वो अगर नॉर्मल है, ठीक है, तो बस उसमें वो उसका ईगो जो होता है वो उसको बैलेंस रख लेता है, ठीक है। ये समझ आ रही है आप लोगों को इस चीज की? यस मैम। चलिए ठीक है, अच्छा तो ये हो गई, ठीक है, ये बात हो गई इसमें। चौड्रो ये कहती है ना कि नेक्स्ट लाइन दैट द साइकीज ऑफ मेन एंड वुमेन आर स्ट्रक्चर्ड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ दिस सिमिलर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस द जस्टिफिकेशन फॉर अच्छा डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि मेन और वुमेन की साइकी क्यों डिफरेंट होती है, आप लोग मुझे बताएं। दोनों के रोल्स अलग होते हैं तो इसी वजह से उनकी साइकी भी डिफरेंट। हाँ, और रोल्स कैसे उसको पता चलते हैं? सोसाइटी शेप करती है ना। हाँ, बिल्कुल सोसाइटी, सोसाइटी जो है ना उसको डिफाइन करती है। हाँ बिल्कुल यही है, ठीक है। इसके अलावा ये भी होता है ना कि जो मेन जो आपके पास मेल चाइल्ड है और आपके पास जो फीमेल चाइल्ड है उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लड़कियों को एक सर्टेन एज के बाद जो कि हर घर में डिफरेंट होता है उसके बाद उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लड़कों को होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें जो ना हो ना वो तो फिर एडल्टहुड में ही बातें होती है ना, चाइल्डहुड को तो सेम प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्कूल में अगर करिकुलम देखा जाए या सिलेबस देखा जाए, जो बुक्स होती हैं उनमें जेंडर के रोल्स को हमारे पास डिफरेंशिएट किया होता है। अगर स्टोरी बुक्स जो बच्चे जो मॉन्टेसरी के बच्चे होते हैं उनकी बुक्स, अगर आप स्टोरी बुक्स और पिक्चर पिक्टोरल बुक्स जो होते हैं उनमें भी डिफरेंशिएशन अगर देखा जाए, हमारे पास वहाँ से ही एक पेट्रियाकल माइंड सेट बच्चों में इनकलकेट किया जाता है कि नहीं बच्चे तो ऐसे, लड़के ऐसे करते हैं, लड़कियाँ ये करती हैं, लड़कियों के लिए ये चीज़ें होती हैं, डॉल्स होती है और तो ये तो उसी स्टेज होते हैं, वो तो फिर लेटर स्टेज आती है कि एडल्टहुड में फिर उस सोसाइटी ये रोल प्ले करती है, पहले तो। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ क्योंकि देखें आप अगर कभी देखें ना तो, क्योंकि मैंने खुद ये चीज देखी है, मैंने ऑब्जर्व की है
कि लड़कियां अगर 10-11 साल की होने लगती है ना, उनको इनको दुपट्टा दे दिया जाता है कि हाँ ये दुपट्टा तुमने सर पे लेना है, ठीक है, और घर से बाहर नहीं निकलना और ये वो करना है, ठीक है। और क्योंकि ये मैंने अपने सामने एक बच्ची को ऐसे देखा था कि वो बेचारी, उसका खेलने को दिल चाह रहा था बाहर, उसके जो भाई वगैरह वो खेल रहे होते थे, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसको बाहर जाने नहीं देते, ठीक है, जबकि जो बच्चे होते हैं ना, जो लड़के होते हैं वो खेल सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को बता रही थी कि उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं और उनको उसी पॉइंट से पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा वो घर से बाहर जाके वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आप जो है तो वो आप लिमिटेड होंगी इस घर तक, ठीक है। ये मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि सोसाइटी में ये चीज होती है। तो वो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, तो जब वो लड़की बड़ी हो जाए ना, तो उसने उसको फिर यही वो फिर यही सोचेगी कि हाँ मुझे सिर्फ घर में रहना है और बाहर जो है सिर्फ लड़के जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती। और फिर जब वो जाके जब माँ बनेगी तो फिर वो अपनी बच्चियों में भी यही चीज ट्रांसफर करेगी और अपने बेटों में भी यही चीज ट्रांसफर की, हाँ तुम घर से बाहर जाओ लेकिन अपनी बहनों को बाहर जाने मत दो और उनको ये पर्दा और वो चीजें, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, इसकी वजह से चोडरो क्या कहती है कि जो हम कहते हैं ना कि विमेन जो होती हैं ज्यादा एम्पैथिक होती हैं, ठीक है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी जो ईगो होती है ना, विमेन की जो ईगो होती है वो जो होती है, तो उसके ऊपर सुपर ईगो ज्यादा उसकी हावी हो जाती है, ठीक है। उसकी सोसाइटी उसको शेप कर रही होती है, ठीक है, वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जा रही होती है, बिल्कुल, ठीक है। Whereas मेल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, अगर उसको इड ने गाइड कर लिया तो इड उसको गाइड कर लेता है, सुपर ईगो ने कर लिया तो सुपर ईगो ने कर लिया, वो बोथ वेज ही इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर इड उसका बहुत ही वो क्रिमिनल माइंडेड बंदा है, ठीक है, तो उसको सब टॉलरेट कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन एज कम्पेयर टू वुमेन उनको लिबर्टी होती है इन चीजों की, ठीक है, जबकि वुमेन से वो होता है कि उनको आइडियली वो जो सोसाइटी की नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं ना, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस पे पूरी उतरेंगी, ठीक है, जबकि मेन से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। अच्छा द फीमेल द मेल फादर एंड इम्यूलेटिंग हिज पोजेसिव इंटरेस्ट इन मदर या वाइफ, द फीमेल चाइल्ड इज देन स्टाइमीड इन हर ईगो फॉर्मेशन बाय द इंटेंस बॉन्ड विद मदर, एज सिंपल एज दैट। ये क्या है, लड़का जो होता है, जो मेल चाइल्ड होता है, वो अपने अब्बू को देख रहा होता है, ठीक है, वो उस अपने फादर के रोल को देख रहा होता है और उसी के मुताबिक वो अपने आप को वो कर रहा होता है, ठीक है, छोटे छोटे से होते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं हम घर के बड़े और हम ये करेंगे हम वो करेंगे, वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने फादर से सीख रहे होते हैं। उनको जब पता चल जाए कि मैस्कुलिनिटी को बताती होती है कि तुम्हारा जेंडर रोल क्या है, ठीक है। चोडरो टाइज दिस आइडिया बैक टू फ्रूडियन थ्योरी बाय आर्ग्यूइंग दैट द रश्ड डिटैचमेंट ऑफ मेल चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर रिजल्ट्स इन द रिप्रेशन ऑफ देयर फेमिनिन सेल्व्स। ये जो हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पढ़ रहे थे ना, उसमें ये चीज सोनिया ने ऐड की थी कि हर इंसान के अंदर जो एक फेमिनिन कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ मैस्कुलिन साइड होता है, ठीक है। तो अब ये जो चोडरो ये कहती है ना कि ये जो मेल डिटैचमेंट जो होती है, ठीक है, रश डिटैचमेंट ऑफ मेल चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर, वो क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो फेमिनिन साइड्स होती है ना उसको रिप्रेस किया जाता है, सोसाइटी कॉन्स्टेंटली उसको ये बता रही होती है कि हाँ यू आर अ मेल और आपसे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है वो ये है, ठीक है, उसकी सोशल इंस्टीट्यूशंस उसको ये चीजें बता रही होती हैं और उससे जो है तो वो द मेल फिनोमेना जो होता है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, ठीक है, उससे जो मैस्कुलिन ट्रेट्स और क्वालिटीज हैं वो उससे एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं। तो वो क्या होता है, उसके वो फेमिनिन सेल्फ को वो रिप्रेस कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या, और उसका जो वो जो मैस्कुलिन साइड की उसकी प्रोग्रेशन हो रही होती है, तो अल्टीमेटली वो उस चीज से डिटैच हो जाता है और वो अपने आप को जो होता है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी समझने लग जाता है, ठीक है। ये समझ आ रही है आपको, क्लियर है, चलें सही है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा चोडरो ये कहती है ना
कि सोसाइटी में क्या होता है, वो विमेन को कैसे उनके लिए विमेन क्या है, विमेन इज अ बीइंग, बस वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, बस शी जस्ट एग्जिस्ट, ठीक है. जबकि मेन के लिए क्या है कि एक्शन, ठीक है, उससे ये एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ ये कोई मतलब कोई पावर, या उससे जो है तो स्ट्रांग है, ये पावरफुल है, ये अथॉरिटेटिव है, उससे वो चीजें एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें उससे एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं. जबकि औरतें जो होती हैं वो सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए बस दे जस्ट एग्जिस्ट. हाँ ये किसी की माँ है, ये किसी की बेटी है, ये किसी की बीवी है, ठीक है. विमेन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, व्यू किया जाता है, और जो मेन है उसको एज ए सब्जेक्ट व्यू किया जाता है, जो हमने ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन में पढ़ा था. इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल ये है कि जब आप जब लड़कियों को लड़कियों का रिश्ता कोई देखने जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिफिकेशन पे मैं बात कर रही हूँ, तो उसको जो सोसाइटी के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक ये होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं, बस वो फिर उसकी शादी हो जाए. क्यों लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा, वैसे भी इसकी शादी कर देनी है आपने, इसने जाके घर ही संभालने, इसने जाके बर्तन ही धोने हैं, तो ऑलरेडी सी वो चीज फिक्स होती है, उससे कोई एक्शन की कोई तवक्को ही नहीं होती कि ये लड़की कुछ कर ले, कुछ बन जाए. जबकि मर्द जो होता है उससे तवक्को होती है कि हाँ मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, ठीक है. तो ये एक्शन और बीइंग का ये कॉन्सेप्ट है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का, ठीक है. She suggests that the idea has deeper implications as women tend to be very relationship oriented. ठीक है, अब क्या होता है, women हमारे पास relationship oriented क्यों होती है, क्योंकि बस उनको पता है, उनको बता दिया जाता है कि आपका ये submissive role है, आपने ये चीजें करनी है, ठीक है, आप object हैं, you are not subject, ठीक है, और बस जो काम men के लिए है वो आप नहीं कर सकती, तो बस वो relationship oriented बहुत होती है उस चीज में, emotionally वो बहुत attached होती है उन चीजों के साथ, ठीक है, वो इमोशंस होते हैं वो उसके बायोलॉजिकली ऐसे होते हैं. जबकि सोसाइटी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस उसके ऐसे होते हैं कि उसको रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना ही होता है, ठीक है. इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है. अच्छा चलें, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, इसी साइको एनालिटिकल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए जोड्रो क्या बताती है हमें, हमारे पास के जो मेन की एग्रेशन है टुवर्ड्स वुमेन वो हमें बताती है, वो क्यों होती है, क्योंकि उनको बस वो मेल फिनोमेना वाली बात होती है कि वो पावरफुल हैं, वो अथॉरिटेटिव हैं, ही इज द लीडर, ही नोज एवरीथिंग, और एक्शन वही कर सकता है, और वुमेन आर सब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, वो सबमिसिव होंगी, ठीक है, और वो हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग होंगी, और उनसे कोई तवक्को किसी काम की नहीं होगी कि वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करे, ठीक है. मेंस डिटैचमेंट टुवर्ड्स फैमिली, डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली, ठीक है, वो कैसे होती है, जो हमने कहा कि उसकी फेमिनिन साइड को रिप्रेस किया जाता है, और उसके जो वो मैस्कुलिनिटी के जो आइडियल्स होते हैं वो उसके सामने बयान किए जाते हैं. मेन बीइंग लेस एम्पैथेटिक, वो लेस रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, वो लेस एम्पैथेटिक होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और उसके जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है वो औरतों से डिफरेंट होती है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. ये हमने पढ़ा साइको एनालिटिक फ्रेम थ्योरी में थीसिस, ये हमने किससे रेफरेंस लिया, चौड्रो से लिया, ठीक है. नैन्सी चौड्रो की बुक क्या थी, द रिप्रोडक्शन ऑफ मदर और मदरिंग. और अब जो हमारे पास सेकंड हम ले रहे हैं ना रेफरेंस, वो हम ले रहे हैं जूडिथ बटलर की बुक द जेंडर ट्रबल्स. नेक्स्ट स्लाइड हसीब. हेलो हसीब, हाँ ठीक है, सही है, हाँ अब सही है. अच्छा, अब जूडिथ बटलर हमारे पास क्या कहती है अपनी बुक जेंडर ट्रबल में, इट एक्सप्लोर्स इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल केयर ऑन द इमर्जिंग सेल्फ सोशल ऑपरेशन ऑफ वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्यूम्ड जेंडर डिफरेंसेस, ओडिपल कॉन्फ्लिक्ट एंड हेटरोसेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है. इसको मैं बस इसके कोट से एक्सप्लेन कर देती हूँ. दैट नोबडी इज बॉर्न वन जेंडर और द अदर, वी एक्ट टॉक स्पीक एंड टॉक इन वेज दैट कंसोलिडेट एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग अ मैन और अ वुमन, ठीक है.
यही होता है कि जो मैंने आपको जेंडर जेंडर की सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर में पढ़ाया था कि हमारे पास जो होता है ये सब कुछ जो होता है ना, ये जेंडर कुछ चीज नहीं है, ये क्या होती है, ये हमारे पास सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की हुई है, ठीक है, और हमें रोल्स दिए हुए जेंडर रोल्स की, ये औरतों का ये रोल है, मर्दों का ये रोल है, आपने ये करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, जेंडर रोल्स, ठीक है, जेंडर रोल्स आर बेस्ड ऑन हाउसहोल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द पेरेंट्स एज वेल एज हाउ चिल्ड्रन आर सोशलाइज्ड ऑन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल। दिस रीइंफोर्सेस बॉयज डिजायर टू डोमिनेट गर्ल्स एंड गर्ल्स विलिंगनेस टू कोऑपरेट एंड कॉम्प्रोमाइज देयर एजेंसी। ठीक है, ये वही बातें जो मैंने आगे आपको बताई। नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा, सेंट्रल कॉज एंड सोल्यूशन ऑफ पेट्रियार्की। Societal change can be developed through discovering the source of man's domination and women's subjugation, which largely resides unrecognized in individuals' unconscious. Psychoanalytic feminism concentrates on early childhood development, explaining how gender is constructed and practiced on societal, familial, and individual levels. Hence, the solution is in the changing parenting practices with more involved father and more independent mother. ठीक है, हमने पढ़ा ना अभी तक कि फादर जो होता है, मर्द जो होता है वो लेस रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, ठीक है, जबकि फीमेल जो होती है वो ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अपनी माँ से सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक, वही उनके लिए एक सोशल इंस्टीट्यूशन का काम कर रही होती है, वही उनको सिखा रही होती है। फादर जो होता है नॉर्मली वो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, क्यों? क्योंकि उसको उससे एक्शन एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है इसमें कि जो मदर होती है उसको वो सिर्फ जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो वही चीजें कर रही होती है जो कि उसने हमेशा से देखी होती है, और वही चीजें उसको ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है, उसको वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है डायरेक्टली। अब इस सब से क्या हो गया, हमारे पास पेट्रियार्कल सिस्टम बन गया ना, तो सेंट्रल कॉज ऑफ पेट्रियार्की यही है, ठीक है, कि उसके जो फादर होता है वो अथॉरिटेटिव तो होता है, लेकिन फिर जब बच्चों के साथ टाइम गुजारने का वक्त आ जाता है, तरबियत का वक्त उसका हो, तो फिर वो उसमें कोई वो नहीं करता, ठीक है, कोई उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जबकि वुमेन जो होती है वुमेन वो सारा कुछ नैन्सी चौड्रो जो है तो वो ये हमारे पास ये कहते हैं, ये जो हमने अभी दोनों राइटर्स को पढ़ा, तो इस हमें कॉज ऑफ पेट्रियार्की भी पता चलेगी। अब उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि जो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस है ना उसको चेंज करना होगा। बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, ठीक है, अगर एक बाप अपने बच्चों को टाइम ना कंट्रीब्यूशन इधर चलाए, ठीक है, तो वो खुद भी कुछ उसका बनने का दिल चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक माई मदर इज अ टीचर, ठीक है, तो मैं हमेशा से उनको देखती थी और मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं बड़ी होकर टीचर बन जाऊं, ठीक है, अगर मैं अपनी अम्मी, अगर मेरी अम्मी टीचर ना होती, ठीक है, बस वो एक हाउसवाइफ होती, तो फिर मैं भी ये सोचती कि हाँ बस मैंने बड़ी होके बस सिर्फ हाउसवाइफ बनना है, ठीक है, मेरा यही गोल होता, क्योंकि मैंने देखा वही होता है, ठीक है, लेकिन वो टीचर थी तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि हाँ मैं भी कुछ करूँ, ठीक है, मैं भी ऐसे मतलब मैं जाऊँ क्लास में और मैं टीचर हूँ, मैं सबको पढ़ाऊँ, ये वो ना, तो वो मैंने अपनी मदर से सीखा, ठीक है। इसी तरह यही चीज जो है, तो ये बता रहे थे कि हमारे पास सोल्यूशन यही है। मैंने अपने फादर को देखा कि वो मेरी मदर की हेल्प कर रहे होते थे जब हम छोटे थे, हमें तैयार कर रहे होते थे, हमारी मदर शी इज अ वर्किंग वुमन, ठीक है, तो वो उस टाइम पे मतलब 100% टाइम कोई भी नहीं दे सकता, तो दोनों हमें मिलके टाइम देते थे। तो अब मेरे भाई जो हैं वो क्या करते हैं कि वो मेरी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको पानी खुद पीने में कोई ऐसी उनको तोहीन महसूस नहीं होती, अनलाइक द अदर पीपल आई नो जिनको ये तोहीन महसूस होती है, जो पानी पीने के लिए अगर कोई उनको कहे, उनको खामखा जो होता है किसी अपनी बहन या अपने घर में कोई हेल्पर उससे कह के उन्होंने पानी मंगवाना होता है, ठीक है, खुद जाके जहमत नहीं करते।
तो मेरे मेरे भाइयों ने अगर मेरे फादर को देखा है तो उन्होंने वही चीज अडॉप्ट की है, स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स उन्होंने फॉलो नहीं किए, ठीक है। अगर मैंने अपनी मदर को देखा है तो मैंने स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स को फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो यही बता रहे होते हैं कि अगर फादर्स जो होते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी केयर में, और मदर जो तो वो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, तो हमारे पास पेट्रियार्की जो है ना, उसका जो टॉक्सिक सफोकेटिंग चीज है वो खत्म हो सकती है हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? यस मैम।